इधर मस्जिद की प्रॉपर्टी को लेकर हुए विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके चलते जमकर उठापटक शुरू हो गई। मामले में एक पक्ष ओमती थाने पहुंचा और अपनी शिकायत दर्ज कराई। मस्जिद की प्रॉपर्टी को लेकर हुए विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके चलते जमकर उठापटक शुरू हो गई। मामले में एक पक्ष ओमती थाने पहुंचा और अपनी शिकायत दर्ज कराई। पूरे मामले की जानकारी देते हुए ओमती थाना प्रभारी वीडी द्विवेदी ने बताया कि छोटी ओमती स्थित 8 नल के पास साकिर अली पिता बाजिद अली का आजाद अली से छोटी मस्जिद की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था, जिसकी नाप जोक करने दोपहर में तहसीलदार और पटवारी भी पहुंचे थे, लेकिन विवाद के चलते वे काम अधूरा छोड़कर वहां से चले गए। इसी बीच शाम को दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर लाठी डंडों से जमकर प्रहार किया गया और वाहन में भी तोड़फोड़ कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया। ओमती पुलिस ने साकिर अली की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि दूसरा पक्ष भी अगर आकर शिकायत करता है तो उनकी शिकायत भी ली जाएगी और फिर मामले की जांच की जाएगी। इस विवाद में 2 से 3 लोग घायल हुए हैं। हमारा भाई नमाज पढ़ के छोटी मस्जिद से बाहर निकला। हम लोग का ये पुराना विवाद चल रहा होगा, हमारे भतीजे की शादी को लेके हम लोग ना कर रहे थे। हम लोग बोले तुम्हारी शादी जहाँ करना हो तुम कर दो, हम लोग को कोई लेन देन नहीं। हमारे बड़े भाई ने बोला कि यार हमारे भाई लोग शरीक नहीं हो रहे हैं, तो ये चक्कर में शादी ज़बरदस्ती करो, क्योंकि हमारे भाई के पास, भाई जो है हमारा 60 से 70 करोड़ का स्वामी है प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा हो और जो हमारी भाभी है वो उन्हीं की बहन है, वो ज़बरदस्ती शादी को उसमें हमारे भाई को मारे। फिर जब यहाँ रिपोर्ट लिखाने आए तो यहाँ पे बोले कि हमें स्पॉट देखना है। हमारी क्रेटा कार से हम वहाँ पे गए स्पॉट पे, ये लोग पूरा अटैक कर दिया। एजाज, पांचों भाई रहे और उनके भतीजे एजाज, आजाद, मामा और एक मोटा वाला मुसाहिद, ये चारों जन ने बिल्कुल हमला किया। हमारी गाड़ी तोड़ डाली, हमारी गले में सोने की चैन रही और जो 40,000 रुपये हम उस टाइम सातवीं में हमको एक ठाकुर ने दिया रहा, उसका भी नंबर है, वो भी 40,000 हमारी जेब से वो भी निकल गया और चैन हमारी तीन कैसा घायल में हमारा हमारे 2 भतीजे हुए, 2 भांजे हुए हैं, एक को चाकू पड़ी है और मेरे को तो ये चैन खींची है उनने, ये चैन का निशान है। और मेरी गाड़ी में आप क्रेटा की फ़ोटो ले लो, पूरी क्रेटा में मारा, ये छोटी ओमती की है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वहाँ पे सीसी कैमरे लगे हैं, सच्चाई आपको पूरी कैमरे से मिल जाएगी। सैयद जावेद अली, मेरी चैन खींचते हुए भी आपको सीसी कैमरे में मिले। छोटी मस्जिद है अपना 8 नल के पास, तो साकिर अली पिता वाजिद अली छोटी मस्जिद के पास ही रहते हैं। इनका ये आज़ाद वाली वगैरह से कुछ मस्जिद की प्रॉपर्टी का आपस का इनका समाज का कुछ हुआ है, डिस्प्यूट था, जिसमें आज तहसीलदार महोदय और पटवारी महोदय उसको नाप करने आए थे। इनका विवाद हुआ तो वो लोग काम छोड़कर चले गए थे, उसी बात को लेकर ये शाम के आपस में इधर से जा रहे थे तो इनका आपस में रहते तू हुआ, गाली गलौज हुआ और मारपीट कर ली। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस का पॉइंट तो वहाँ पहले से ही था, मौके पर पहुंचे, साकिर अली की रिपोर्ट पर FIR हो रही है और अगली पार्टी को भी चोट लगी है, उनके द्वारा भी रिपोर्ट की जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। जी तलवार नहीं, नहीं तलवार नहीं चली, साधारण मारपीट लठ लिए थे, गाड़ी में गाड़ी में कुछ पत्थर वगैरह मारे जो भी, तो गाड़ी